हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गैलेक्सी फ़ोटो स्टोर। तो आज हम लाए हैं ब्रेक के बाद एक और नया वीडियो आपके लिए, जिसमें एक नया प्रोडक्ट है। ये है एक फ़ोटो वीडियो कंटिन्यूस लाइट, इंडियन मेड है ये। और नॉर्मली आपने हैलोजन लाइट के बारे में तो सुना ही होगा। जो हैलोजन लाइट होती है दिखने में ऐसी ही होती हैं, ये आपका एक स्टैंड पे उसको क्लैंप से माउंट करते हैं, ऑन ऑफ का स्विच होता है, और आगे से जो होते हैं उसके बाद दो पैनल्स होते हैं ऐसे, और सेंटर में ट्यूब आती है, हैलोजन ट्यूब। तो वो होती है 1000 वाट की लाइट। और जो ये लाइट है ये हैलोजन की जगह LED बेस्ड है। एक्सटर्नल बॉडी इसकी सेम है इसमें, लेकिन हैलोजन की जगह इसमें LED चिप्स यूज़ करी हैं, जो आपकी डिजिटेक की 150 लाइट जैसे होती है उसमें भी चिप होती है सेंटर में, उसी टाइप की चिप्स इसमें यूज़ करी गई हैं। ये इंडियन मेड प्रोडक्ट है। तो इस चिप की जो पावर है, ये एक चिप 30 वाट की है, तो टोटल आपको ये दे देती है 120 वाट। तो 120 वाट आपका आउटपुट आ जाएगा LED के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा आउटपुट है। और ये इसका जो कलर टेम्परेचर है वो है वाइट, मतलब कि 5600 केल्विन के आसपास है। क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो इसमें वेरिएंस होगी कलर टेम्परेचर की थोड़ी, 56 भी से आप मान लो 5000 से 6000 के बीच में कोई भी रेंज आ सकती है इसके अंदर। लेकिन हाँ, ये लाइटें फ्लिकर फ्री हैं, जैसे नॉर्मल लाइट्स होती हैं आपकी, फ्लिकर फ्री लाइट्स हैं। और आप इसको किसी भी शटर पे यूज़ कर सकते हो, जैसे नॉर्मल लाइट्स होती है आपकी COB लाइट्स होती हैं, वैसे LED की तरह यूज़ हो जाएंगी। तो मेन बेनिफिट जो इसका यही है कि ये बजट फ्रेंडली है, इसमें कोई आपका वो कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आप इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, फुल पावर पे हमेशा चलेगी। लेकिन ये इसका काम ही यही है कि मेन जैसे आपको स्टेज पे वेडिंग में यूज़ करना है, स्टेज पे यूज़ करना है, या अगर आप घर पे आप यूज़ कर रहे हो वीडियो के लिए, तो आपको फिक्स पावर चाहिए, बाकी कैमरे से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है कि आपको इंटेंसिटी ज़्यादा मिल जाएगी और बजट में मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ी एडवांटेज इसकी है, एक तो एक वाइट लाइट है, प्लस इसके अंदर हीटिंग का कोई इशू नहीं है। LED की जो मिनिमम हीट आती है उतनी हीट आएगी, इसमें हैलोजन वाला रिस्क नहीं है कि भाई ट्यूब फट गई और ट्यूब आपकी जैसे टूट जाती है, टूटने का पंगा, वो टूटेगी नहीं, हीटिंग नहीं आएगी, आग नहीं लग सकती इसके अंदर। प्लस इसके अंदर एक और एडवांटेज LED चिप की है कि इसकी लाइफ ज़्यादा है। जो हैलोजन होती है आपकी, मतलब कि 40-50 घंटे चलती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है और 70-80 रुपये की ट्यूब लेनी पड़ती है। इसकी जो चिप है इसके कम से कम आप लगा लो कि 1000-2000 घंटे एवरेज इसकी लाइफ होती है, तो उसमें आपको LED की लाइफ से आपको जो कॉस्ट सेविंग है वो भी हो जाएगी। और हैलोजन से थोड़ी तो ये महंगी है, लेकिन आपको जो चिप की लाइफ है एक्स्ट्रा मिल रही है, तो उससे आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। तो जो लाइट की इसकी प्राइसिंग है वो है सिर्फ 1500 रुपये। 1500 में आपको मिलेगी 120 वाट LED लाइट। ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी वाइज काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपका मतलब यूट्यूब का भी काम हो सकता है, स्टूडियो का काम हो सकता है, वेडिंग का काम हो सकता है। अब इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ, बातें तो बहुत हो गई, एक्चुअल रिजल्ट दिखाते हैं आपको। तो इसमें ये प्लग है इसका स्टैंडर्ड, ये क्लैम्प और स्टैंड अलग से लेना पड़ेगा, साथ में नहीं आता। लाइट में बस आपकी इधर से लाइट शुरू होती है। अब इसको आपको प्लग में लगा के ऑन करके दिखा देता हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइटें चल रही है ऑलरेडी, तो ये सिचुएशन है अभी इस रूम की। ये चल गई आपकी 120 वाट की लाइट। नॉर्मल रिंग लाइट भी आपने देखा होगा तो 50-55 वाट की होती है, और उनकी प्राइसिंग होती है 3000, और मिनिमम हीटिंग है इसके अंदर जितनी, और बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, हैलोजन जैसा कोई रिस्क नहीं है। और इसको हम बिला से आप डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये देखिए, अभी ये लाइट के साथ है। अब इसको लाइट को मैं ऑफ करता हूँ, अब एक बार मैं आपको अपने फेस पे भी दिखा देता हूँ कि कैसा स्किन पे कैसा इफेक्ट आता है इसका नॉर्मली। अभी विदाउट डिफ्यूज़र ही यूज़ करते हैं, फिर डिफ्यूज़र के साथ बाद में लगा देंगे। ऐसा करता हूँ, मैं लाइट्स बंद कर देता हूँ बैकग्राउंड की, इससे और क्लियर हो जाएगा। ये बैकग्राउंड लाइट सारी बंद है। ये आपकी लाइट चल गई। अभी अनडिफ्यूज लाइट है, तो अगर स्टेज पे यूज़ करनी है तो आप दूर लगा सकते हैं बिना अम्ब्रेला के भी, और अगर आपको स्टूडियो में यूज़ करना है और लाइट की तरफ देखना है तो इस पर अम्ब्रेला ऐड कर देंगे, सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ा आउटपुट लॉस होगा लेकिन इंडोर के हिसाब से फिर भी ठीक है।
तो अब इसके अंदर एक बार हम अम्ब्रेला लगा के दिखाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये लाइट हमने वो ऑफ़ कर दी है और इसमें अम्ब्रेला ऐड करिए, तो वो अम्ब्रेला के साथ आपको दिखाते हैं क्या इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। ये अम्ब्रेला हमने नॉर्मल स्टैंडर्ड अम्ब्रेला जो आपकी 120 रुपये की आती है वो वाली अम्ब्रेला है, अब ऑन करते हैं। तो ये विद अम्ब्रेला आप देख सकते हैं इतना फील आ रहा है, नॉर्मली जैसे आप SL60 वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइप का ही रिज़ल्ट ये दे रही है कम बजट के अंदर। और LED जो नॉर्मल लाइट्स होती हैं वो भी इससे महंगी आती है, उसमें भी बैटरी का इशू रहता है कि बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी और ये सब। इसमें बैटरी का कोई इशू नहीं है, आप पावर से चलाओ, पावर कंजम्पशन भी इसकी कम है क्योंकि LED बेस्ड है, तो इसमें पावर का भी कंजम्पशन कम रहेगी। और जो हैलोजन होती है वो 1000 वाट कंज्यूम करती है, ये कम कंज्यूम करेगी और आउटपुट डिसेंट आउटपुट दे रही है। ये अम्ब्रेला के साथ सॉफ्ट लाइट है, और अगर अम्ब्रेला निकालेंगे तो आपने देख लिया था अम्ब्रेला के साथ क्या रिज़ल्ट था। तो ये था आज का यूनिक प्रोडक्ट जो है। बाकी अगर आपको इसके बारे में कोई सजेशंस हो या क्वेरीज हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट्स पे भी, और अगर ख़रीदनी हो तो आप हमसे स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, हम शिपिंग कर देंगे। लाइट की कॉस्ट मैंने आपको बताई थी 1500, स्टैंड वगैरह और क्लैम्प की कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है, अम्ब्रेला की कॉस्ट एक्स्ट्रा होती है। तो ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बाय।